उत्तराखंड में बड़ा ही दर्दनाक बस हादसा हुआ और ऐसे में लगातार मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 36 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में 19 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और ऐसे में जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और बता दें कि बस में करीब 55 से ज्यादा लोग सवार थे और 4 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और ऐसे में राष्ट्रपति, पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख जताया है। और वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दुखद घटना हुई है। बस जो रामनगर की तरफ आ रही थी, मरचूला अल्मोड़ा जनपद के पास गहरी खाई में गिर गई और काफ़ी लोगों को इसमें दिवंगत हुए हैं, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए आसपास के अस्पतालों में भेजा जा रहा है, रामनगर भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस तत्काल भेजी गई हैं, सभी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और साथ ही घायलों को इलाज के लिए जो भी समुचित व्यवस्था है वो समुचित व्यवस्था की जा रही है। और जो घटना में जिनके कारण से घटना हुई है, कोई लापरवाही हुई है, तो कमिश्नर कुमाऊं के मजिस्ट्रियल जांच इसकी करेंगे और संबंधित विभाग आरटीओ और उनको निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। जो हताहत हुए हैं उनके परिजनों को सहायता के लिए भी तत्काल आदेश कर दिए गए हैं। मैं स्वयं इस पूरी घटना को देख रहा हूं और जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं उनको तत्काल सीधे अस्पतालों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए हेली एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रही है, कुमाऊं कमिश्नर कर रहे हैं, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव श्री विनोद सुमन जी भी इसमें लगे हैं, गृह सचिव भी तत्काल एसटीआरएफ की टीम और अन्य से समन्वय बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी घायलों को समुचित सहायता मिले, उनको अच्छा उपचार मिले, जल्दी वो स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और जो इस घटना में हताहत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों के साथ हैं और जो घायल हैं उनके साथ भी हम खड़े हैं कि जल्दी से जल्दी उनका भी समुचित इलाज हो। आज बहुत ही दुखद। और वहीं उत्तराखंड में हुए बस हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने दुख व्यक्त किया है और साथ ही घायलों के लिए सहायता राशि का भी ऐलान किया है। और ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जो भी घायल है उनको जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर दुख व्यक्त किया है। अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है, लगातार मौत की संख्या में इजाफा हो रहा है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पंकज एक बार फिर जुड़ चुके हैं। पंकज, अल्मोड़ा बस हादसे में लगातार मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और फिलहाल स्थिति कैसी है? बिल्कुल, यहाँ पर रेस्क्यू कार्य भी जारी है। स्वयं बताना चाहूंगा कि 36 लोगों की यहाँ पर मौत की पुष्टि हो चुकी है। घायलों की पुष्टि अभी तक प्रशासन ने नहीं किया, पर यह माना जा रहा है कि लगभग 19 लोग यहाँ पर घायल है, क्योंकि जब हादसा हुआ था तो कुछ लोग यहाँ पर बस से कूद गए थे, कुछ अपने से हॉस्पिटल पहुंचे हैं, कुछ लोग अल्मोड़ा हॉस्पिटल गए हैं, कुछ लोग रामनगर हॉस्पिटल गए हैं। इसलिए भी घायलों की पुष्टि नहीं की गई, पर लेकिन मौत यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। 36 लोगों की अब तक मौत बताई गई है और 4 जो ज्यादा घायल थे, जो सीरियस थे, उनको अभी एम्स ऋषिकेश लाया गया है और साथ में एम्स की टीम भी वहां पर रामनगर पहुंच रही है। साथ में जो सीएम है वो भी कुछ देर में यहाँ घटनास्थल में पहुंचने वाले हैं, वो
तमाम राहत कार्यों का जायजा लेंगे, जो मृतक है उनके परिजनों से मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि वहीं पर ही पोस्टमार्टम हो, जिससे कि जो परिजन है, जो मृतकों के परिजन है, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जी पंकज, अगर बात की जाए तो ये पूरा जो हादसा हुआ है काफी दुखद हादसा है ये, लेकिन अगर बात की जाए तो हादसे के पीछे की वजह क्या है? तेज रफ्तार है, लापरवाही है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इस जो बस में थी वो ओवरलोडिंग इसको माना जा रहा है, क्योंकि 40 सीटर ये बस थी और लगभग 55 लोग इसमें सवार थे। जी तो सबसे पहला कारण तो यहाँ पर ओवरलोडिंग है। साथ में यहाँ पर जो मोड़ था, एक मोड़ में ये बस नीचे गिरी है, तो कहीं ना कहीं जो तीव्र मोड़ था वो भी इसकी एक वजह मानी जा रही है। बाकी जो मजिस्ट्रियल जांच है उसके आदेश यहाँ पर सीएम ने दे चुके हैं, जो कुमाऊं कमिश्नर है दीपक रावत, उनको जांच के आदेश दिए हैं कि हादसे के क्या कारण रहे हैं। साथ में लापरवाही के मामले में दो एआरटीओ को, एआरटीओ कोटद्वार और एआरटीओ रानीखेत को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। उनके सस्पेंशन के लेटर भी यहाँ पर जारी हो चुके हैं। अब क्योंकि हादसा ऐसी जगह पे था जहाँ पर लोग कम थे, वहां पर जनसंख्या नहीं थी, तो बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष दृष्टि उसके नहीं है। घायलों में भी स्थिति इतनी नहीं है कि वो बता पाए कि क्या कारण है, लेकिन कोशिश की जा रही है। अब जो सबसे पहले यही माना जा रहा है प्रथम दृष्टा कि वो ओवरलोडिंग बस थी, 40 सीटर बस थी और उसमें 55 लोग सवार थे, और दूसरा वहां पर मोड़ तीव्र मोड़ था, जिस कारण यह हादसा हुआ है। जी पंकज गैरोला, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।